फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फोर्थ है जो हम आपको देने जा रहे हैं। एनसीसी और फर्स्ट एंड हेल्थ के जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट से आप जरूर देखें। ये यूनिट फोर है जिसका सिलेबस इस तरीके से है। ये है यूनिट फोर फिजिकल एजुकेशन की। तो पहला प्रश्न है, बजट के प्रमुख भाग कौन से हैं जिनके ऊपर यह आधारित होता है? तो इसका आय और व्यय। बजट के किस तत्व को निकाल देने से उसका कोई प्रयोग नहीं रह जाता है? तो आय और व्यय दोनों निकाल देने से कोई प्रयोग नहीं रह जाता है। तीसरा, विद्यालय की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सभी। खर्च करने से पहले प्रमुख स्रोतों से प्राप्त धनराशि को बजट में क्या कहा जाता है? तो इसको आय कहा जाता है। सी, विद्यालय में आय के प्रमुख स्रोत नहीं है। तो इसका सी, छात्रों पर जुड़वाने से प्राप्त धन विद्यालय के व्यय के प्रमुख स्रोत हैं। तो डी, उपरोक्त सभी। मैदानों की मरम्मत, प्रतियोगिताओं के आयोजन पर व्यय, खेल सामग्री पर व्यय, खिलाड़ियों की ड्रेस पर खर्च वहन करना पड़ता है। तो सी, विद्यालय के खेल विभाग को। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की मुख्य व्यय में शामिल नहीं है? तो ये खिलाड़ियों के मेडिकल टेस्ट पर व्यय। मैदानों पर व्यय शामिल है। तो ये उपरोक्त सभी। विद्यालय में कौन सा वित्तीय रजिस्टर आवश्यक रखना चाहिए? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, वेतन अदायगी रजिस्टर, आकस्मिक खर्च रजिस्टर, आकस्मिक आदेश पुस्तिका। विद्यालय के खेल शिक्षक द्वारा व्यय के समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? तो इसका डी, इन सभी पर। विद्यालयों में रखा जाना आवश्यक है? तो डी, ए सभी, रोकड़ बही, खतौनी, शुल्क रजिस्टर। विद्यालय में उपस्कर संबंधी किन रजिस्टरों को रखा जाना आवश्यक है? तो ये सभी, संपत्ति रजिस्टर, स्टेशनरी रिकॉर्ड रजिस्टर, पुस्तक निकासी रजिस्टर। कौन सा वित्तीय रजिस्टर विद्यालय में रखा जाना आवश्यक है? तो डी, ए सभी, संकलित शुल्क रजिस्टर, दान रजिस्टर, बिलों का रजिस्टर। उप रजिस्टर जो विद्यालय में रखा जाना चाहिए उनमें शामिल है ये सभी। उपस्कर संबंधी कौन सा रजिस्टर विद्यालय में रखा जाना आवश्यक नहीं है? तो इसका ये, विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका। कैश बुक में किसका विवरण रखा जाता है? तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है? तो ये सभी, इस बुक में डी। आय व्यय के अलावा कैश बुक में और कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती हैं? तो ये सभी। मुख्य अध्यापक को विभिन्न लोगों के समक्ष अपनी ईमानदारी को साबित करने का आधार है? तो इसका बी, कैश बुक। स्टॉक रजिस्टर की विभिन्न प्रकार है? तो इसका सी, विद्यालय के फर्नीचर का रजिस्टर। विद्यालय का वित्तीय महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं है? तो बी, संपत्ति क्रय रजिस्टर। विद्यालय के सभी प्रकार के साज सामान, सामग्री एवं उपकरण का विवरण जिस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डी, स्टॉक रजिस्टर। कैश बुक को मेंटेन का उत्तरदायित्व होता है? तो डी, मुख्य अध्यापक का। विद्यालय की पूरी संपत्ति, सामान, उपकरण आदि की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? तो डी, मुख्य अध्यापक का। किस रजिस्टर का संबंध विद्यालय में अध्यापकों तथा कर्मचारियों को हर माह मिलने वाला वेतन से होता है? तो सी, वेतन रजिस्टर। वेतन रजिस्टर में सबसे पहले किसका नाम होता है? डी, प्रधानाचार्य का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में रखा जाने वाला रजिस्टर है? तो आंसर है इसका डी, ए सभी। बजट निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है डी, ए सभी। निम्न में से कौन सा विद्यालय अभिलेख है? तो ये सभी। विद्यालय में मुख्य वित्तीय अभिलेख में शामिल है? तो ये सभी, इसमें भी ये सभी। कैश बुक का प्रति निरीक्षण करके उस पर अपना हस्ताक्षर करने का दायित्व किसका होता है? तो ये मुख्य अध्यापक का। शारीरिक शिक्षा में बजट को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? तो सी, चार। शारीरिक शिक्षा में बजट चक्र में कौन से तत्व समाहित हैं? तो सी, सभी तत्व समाहित। वित्तीय विवरण में किसको शामिल किया गया है? तो बी, लाभ एवं हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा। इनमें से क्या उन चरणों को दर्शाता है जिनमें से कंपनी को बजट के साथ आने की जरूरत होती है? तो ए, बजट चक्र। सार्वजनिक गैर लाभकारी एवं वाणिज्यिक संगठनों के लिए सबसे प्रचलित बजट प्रारूपों में से एक है। तो बी, वस्तु वर्गीकरण बजट। वित्तीय रिपोर्टिंग का महत्व निम्न में से कौन सा है? तो सी, सभी। वास्तविक आय के प्रकार हैं तो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। सी, आय के प्रकार हैं। डी, उपरोक्त सभी। आय के स्रोत हैं। डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है बी, आय का वह भाग जिससे मनुष्य अपने भविष्य के लिए बचत करता है वह व्यय कहलाता है। व्यय के प्रकार हैं तो डी, उपरोक्त सभी। व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं तो उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इस उपरोक्त में से तीनों सही है। मितव्ययता व्यय के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? तो इनमें से कोई नहीं। संपूर्ति आय के साधन है तो डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व तो नहीं है? तो रंग। पोत कहलाता है। तो इसका आंसर डी, किसी वस्तु को छूने से उसकी सतह के लिए जो आभास होता है वही पोत कहलाता है। अप्रत्यक्ष आय निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर सी, मुफ्त चिकित्सा सुविधा। ग्रास तथा क्रेंडल के अनुसार निम्न में से मौद्रिक की परिभाषा कौन सी सही है? तो इसका आंसर ये सही है, संपूर्ति आय के साधन बताइए। तो सी, उपरोक्त सभी। पारिवारिक व्यय की मुख्य मत कौन सी हैं? तो सभी। बजट के सिद्धांतों में राजमल पी देवदास का नहीं है? तो सी, नियमित रूप से एक निश्चित धन बताना। बजट के प्रकार कितने होते हैं? तो सी, तीन प्रकार। विनियोग का साधन कौन सा नहीं है? तो इसका है, विश्व की स्थितियों के प्रभाव का निर्धारण न करना। सी,